काबिलियत कभी उसे चुराई नहीं जा सकती। अमेरिका में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान एक बिजनेसमैन ने कहा था कि आज मेरे पास जो कुछ भी है वो सब कुछ चला जाए तो भी मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसे वापस पाने की काबिलियत मुझ में है और इसी काबिलियत के दम पर 2 साल के अंदर मैं ये सब कुछ वापस खड़ा कर सकता हूं। दोस्तों, सब कुछ छीना जा सकता है या चोरी हो सकता है, पर बंदे की काबिलियत कभी उसे चुराई नहीं जा सकती, उल्टा दिन पर दिन यह बढ़ती चली जाएगी। 2009 में एक मूवी आई थी 3 इडियट्स, जिसमें आमिर खान का एक डायलॉग था जो कि मुझे बहुत पसंद है और मुझे यकीन है कि आपको भी यह पसंद होगा। इसमें आमिर खान बोलते हैं कि काबिल होने के लिए पढ़ो, कामयाब होने के लिए नहीं। एक्सलेंस का पीछा करो, सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगा। अगर डीपली इसके बारे में सोचोगे तभी इसे समझ पाओगे, इसे फील कर पाओगे। दोस्तों, कामयाबी हम तक नहीं आती है, हमें कामयाबी तक जाना पड़ता है और काबिलियत इसका एकमात्र रास्ता है। हम सब में कुछ ना कुछ पैदाइशी काबिलियत होती है, पर बहुत कम लोग इसे पहचान पाते हैं। पर दोस्तों, अकेली काबिलियत भी अधूरी है। अगर आपके अंदर जो काबिलियत है उसे आपके एक्शंस के साथ मिले तो आप वो सब पा सकते हो जिसके आप सपने देखते हो। मैं ऐसे बहुत लोगों को जानता हूं और आप भी ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिनमें काबिलियत तो बहुत है पर वो उस काबिलियत का यूज नहीं करते, कोई एक्शंस नहीं लेते। तो क्या फायदा ऐसी काबिलियत का? क्योंकि सक्सेस तब मिलेगा जब आप उसके लिए कुछ करोगे। अगर बिना काबिलियत के लक की वजह से कोई चीज मिल भी जाती है तो भी वो ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी, क्योंकि उसको संभालने की काबिलियत ही आप में नहीं होगी। दोस्तों, सक्सेस किसी को काबिल नहीं बनाता, बल्कि आपकी काबिलियत आपको सक्सेसफुल बनाती है। सब जानते हैं कि मार्क जुकरबर्ग 23 साल की उम्र में अरबपति बने, पर यह बात बहुत कम लोगों को पता है कि 5 साल की उम्र से उन्होंने उनकी काबिलियत पर काम करना शुरू कर दिया था। 5 साल के थे मार्क, तब से वो कोडिंग करते थे, तब जाके वो फेसबुक बना पाए, क्योंकि उम्र के 19 साल तक उन्होंने अपने आप को इस काबिल बना लिया था। दोस्तों, सक्सेस कोई एक रात में मिलने वाली चीज नहीं है, इसमें कई रातों का संघर्ष होता है। नाकामयाबी कई बार सपने तोड़ देती है, पर आपकी काबिलियत आपको डटकर खड़ा रहने की हिम्मत देगी, फिर से ट्राई करने के लिए वो कॉन्फिडेंस देगी। इसलिए काबिलियत बढ़ाओ, क्योंकि ये सोसाइटी भी इंसान की रिस्पेक्ट उसके काबिलियत के हिसाब से करती है। अगर आप एक डॉक्टर हैं तो आपकी रिस्पेक्ट अलग होगी, अगर आप झाड़ू मारने का काम करते हैं तो आपकी रिस्पेक्ट अलग होगी। ये जो मैं बोल रहा हूं ये आप रिलेट करो एक्चुअल सिचुएशन से, आप इसे बहुत अच्छे से समझ जाओगे। इस सोसाइटी में इंसानों की कोई वैल्यू नहीं है, वैल्यू है तो उनकी काबिलियत की। इस बात पर जरा गौर से सोचना, पर आजकल की जनरेशन इस बात को इग्नोर कर रही है। वो कामयाबी पे ज्यादा फोकस करते हैं, ना कि काबिलियत पर, और इसीलिए कामयाब नहीं हो पाते। दोस्तों, ये एक कॉमन सेंस है, जब तक आप इनपुट नहीं दोगे आप आउटपुट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो। इसलिए पहले खुद को सुधारो, अपने आप को उस लायक बनाओ और फिर उसे पाने की कोशिश करना। देख लेना, कोई भी मुश्किल आपको नहीं रोक पाएगी, बिकॉज यू आर द वन हु कैन डू इट, सो वर्क फॉर इट एंड मेक इट अ रियलिटी। आपको क्या लगता है, आप किस चीज में काबिल हो या फिर बनना चाहते हो, नीचे कमेंट में जरूर बताना। और इस वीडियो को